नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज के अपने इस वीडियो में हम एक मैथ का प्रश्न डिस्कस करेंगे, तो हम यहाँ जिस प्रश्न की बात करेंगे उसको पहले देख लेते हैं। तो प्रश्न हमारा क्या है, प्रश्न है कि एक कमरे के फर्श की लंबाई उसकी चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है, उसके फर्श का क्षेत्रफल तब भी अपरिवर्तित रहता है जब लंबाई 10 मीटर कम कर दी जाती है और चौड़ाई 5 मीटर बढ़ा दी जाती है, तदनुसार फर्श का क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, उसने कहा कि एक कमरा है, कमरे का फर्श है जिसमें उसकी जो लंबाई है उसकी चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। दूसरी कंडीशन उसने कही है कि उसका क्षेत्रफल तब भी अपरिवर्तित रहता है जब लंबाई 10 मीटर कम कर दी जाए और चौड़ाई 5 मीटर बढ़ा दी जाए। तो उसने हमसे पूछा है कि तदनुसार फर्श का क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, तो हम ऐसे प्रश्नों में क्या करते हैं कि पहले उसने कहा कि लंबाई उसकी चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है, तो हम मान लेते हैं कि जो उसकी चौड़ाई है वह कितनी है, एक्स मीटर। ठीक है, हमने चौड़ाई को एक्स मीटर मान लिया, तो इस हिसाब से लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी एक्स प्लस 20 मीटर। ठीक है, एक कंडीशन जो प्रश्न ने हमें पहली लाइन दी है हमने उससे बना ली है कि चौड़ाई है एक्स मीटर, तो लंबाई चौड़ाई से 20 मीटर देखे तो लंबाई हो गई एक्स प्लस 20। अब जो दूसरी उसने कंडीशन कही है उसको भी हम लिख लेते हैं। दूसरी कंडीशन कहा है कि लंबाई 10 मीटर कम कर दी जाए, तो हम लंबाई को क्या करेंगे, 10 मीटर कम कर देंगे, माइनस 10 कर देंगे, और चौड़ाई को 5 मीटर बढ़ा दिया जाए, तो चौड़ाई हमारी पहले x थी, हम इसमें 5 मीटर और बढ़ा देंगे, तो नई चौड़ाई a आ गई और नई लंबाई हमारी a आ गई। अब उसने कहा कि जब हम ये सब कर देते हैं तो जो फर्श का क्षेत्रफल है वह अपरिवर्तित रहता है, यानी दोनों कंडीशन में फर्श का क्षेत्रफल क्या है उसमें कोई चेंज नहीं आता, चाहे इस कंडीशन में देखा जाए चाहे इस कंडीशन में देखा जाए। तो जो फर्श है उस फर्श का क्षेत्रफल कितना होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, क्षेत्रफल जब हम करेंगे तो लंबाई गुणा चौड़ाई, और इधर भी करेंगे तो लंबाई गुणा चौड़ाई, क्योंकि उसने कहा है कि दोनों ही कंडीशन में क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहेगा। तो यहां पर लंबाई है x प्लस 20 और चौड़ाई है x। जब यहां की बात करेंगे तो x प्लस 20 माइनस 10 है, तो 20 में से 10 जाएगा तो x प्लस 10 ये बचेगी लंबाई और चौड़ाई है x प्लस 5। ठीक है, तो हमने दोनों जगह रख ली। अब यहां गुणा हो जाएगा, x का x में होगा तो x स्क्वायर, 20 में होगा तो 20x, इधर करेंगे x का x में होगा तो x स्क्वायर, x का 5 में होगा तो 5x, 10 का x में होगा तो 10x, 10 का 5 में होगा तो 10 पंचे 50। ठीक है, ये सब हमने कर लिया, यहां हमारा x स्क्वायर दोनों साइड से कट जाएगा, तो हमने काट लिया। अब यहां बचा 20x बराबर 5x और 10x दोनों मिलके हो जाएंगे 15x प्लस 50। अब इस 15x को हम इस साइड भेज देंगे तो 20x प्लस का 15x इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 15x। अब 20 में से 15 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 5x बराबर हो जाएगा 50, तो x बराबर 50 बटे 5, 5 से काट देंगे 5 धम 50, तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, x की वैल्यू निकल के आ गई 10 मीटर। ठीक है, जब x की वैल्यू हमारे पास मिल जाती है तो लंबाई हमने क्या मानी थी, लंबाई थी x प्लस 20 और x की वैल्यू है 10, तो 10 प्लस 20 बराबर क्या हो गया, 30 मीटर, और जो चौड़ाई थी वह कितनी थी, तो चौड़ाई तो x ही थी तो x बराबर 10 मीटर। ठीक है, तो हमें लंबाई मिल गई और चौड़ाई मिल गई। अब उसने कहा कि तदनुसार फर्श का क्षेत्रफल कितना है, तो हम फॉर्मूला लगा देंगे फर्श का क्षेत्रफल का, फर्श का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, लंबाई निकली 30 और चौड़ाई है 10, 30 धम 300
मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर, यह हमारा फर्श का क्षेत्रफल निकल के आ गया। ठीक है, तो जो प्रश्न ने कहा था हमने उसको उसी प्रकार से लगाया है। जहां उसने कहा था कि लंबाई चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है, तो हमने यहाँ पर चौड़ाई को x माना, तो लंबाई हो गई हमारी x प्लस 20। फिर उसने कहा था कि लंबाई को 10 मीटर घटा दें और चौड़ाई को 5 मीटर बढ़ा दें, तो हमने ये कंडीशन कर दी और दोनों ही स्थितियों में क्षेत्रफल क्या रहता है, बराबर रहता है या अपरिवर्तित रहता है, तो हमने दोनों क्षेत्रफलों को बराबर कर दिया। इससे हमें एक्स की वैल्यू मिल गई 10। इस एक्स की वैल्यू से हमने लंबाई और चौड़ाई दोनों को निकाल लिया। फिर उसके बाद फर्श का क्षेत्रफल का सूत्र लगा दिया, तो हमारा 300 वर्ग मीटर फर्श का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, तो ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल पीके गुरुजी के साथ। नमस्कार।